ये तीसरे चरण के रण की तस्वीर है। तीसरे दौर के प्रचार को प्रधानमंत्री मोदी धार दे रहे हैं। भोपाल में पीएम का रोड शो और उसमें उमड़ी है भीड़, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव का दावा है कि देश और मध्य प्रदेश दोनों मोदी में है। पीएम का ये रोड शो करीब 30 मिनट चला। इस दौरान पीएम ने करीब 1.25 किलोमीटर का सफर तय किया। ये भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। माननीय मोदी जी की प्रसन्नता बता रही है और जनता की उत्साह उमंग बता रही है कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है। भोपाल के दंगल में बीजेपी के आलोक शर्मा और कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव की सीधी टक्कर है। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट है, जिसमें 2019 में बीजेपी ने 28 सीट पर जीत हासिल की थी। आज पीएम मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे मुरैना में रैली करेंगे। यहां तीसरे चरण में चुनाव है और वोटिंग 7 मई को होनी है। इसके बाद पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहां 3 रैलियां करेंगे। सबसे पहले आगरा में दोपहर 1:15 पर जनसभा है। इसके बाद बरेली के आंवला में 3:30 बजे रैली है और शाम 5:15 पर शाहजहांपुर में हुंकार भरेंगे।